वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो उन्हां दे लई आ जो अपनी जिंदगी दे विच कामयाबी तरक्की हासिल करना चाहुंदे ने, जो लोग बहुत सारा पैसा कमाउणा चाहुंदे ने, जो अपनी जिंदगी दे विच खुशियां तंदरुस्ती तरक्की हासिल करना चाहुंदे ने, जिन्हां दे मन दे विच बहुत सारियां इच्छावां ने, जिन्होंने बहुत सारे सुपने वेखे आते उन्होंने सुपनिया 2023 पूरा होंदया वेखना चाहते ने, कह लिए कि पूरा करना चाहते ने, तो जिन्होंने लोगों के भी मन के इच्छा है कि 2023 का साल साड़ी जिंदगी का सब तो बेहतर सब तो सोहना साल बने, इस साल के असी सब कुछ हासिल कर लीए, तो उन्होंने ये काम जरूर करना है। ये साड़ी कामयाबी तरक्की दे विच बहुत वड्डा योगदान पावेगा। इस करके अज दी वीडियो दे विच आपां इसे विषय ते गलबात करन जा रहे हां। वीडियो नूं पूरा सुनना, जेकर वीडियो चंगी लगी तो फिर इहनूं लाइक ते शेयर जरूर कर देना, अते नाल नाल कमेंट बॉक्स दे विच जाके वाहेगुरु जी जरूर लिख के आउणा। तो आओ अज दी वीडियो शुरू कर दे। देखो जी, अपनी अज दी वीडियो दा जो विषय है कि 31 जनवरी दी रात नूं इह काम आपां करना है, इह काम केड़ा है, क्यों करना है, इहदे की फायदे सानूं होणगे ना, उहदे बारे तुसीं अग्गे सुण के अपने आप समझ जाओगे। क्योंकि देखो साडे विचों बहुते इनसान जिन्हां ने 2023 दा नवां साल चढ़दिआं सार अपने आप दे नाल बहुत वादे कीते कि मैं 2023 नूं अपनी जिंदगी दा सब तो सोहना सब तो बेहतर साल बनाउणा है, इस साल दे विच जो भी मेरे सुपने अधूरे सन उन्हां नूं मैं पूरे करांगा, जो भी मेरे मन दीआं इच्छावां ने उन्हां नूं 2023 दे विच मैं पूरा करांगा। भाव कि 2023 नूं लैके साडे सब दे मनां दे विच बड़ा ही चा बड़ा ही उत्साह सी, इसे करके असीं अपने आप दे नाल वादे कीते सी कि जो गलतियां पिछे 2022 दे विच साडे कोल होईआं सी उन्हां नूं असीं 2023 दे विच नहीं दोहराउणा। कुछ माड़ियां आदतां जो 2023 दे विच असीं अपनी जिंदगी दे विच शामिल कर बैठे सी जां शामिल हो गईआं सी उन्हां नूं 2023 दे विच असीं बाहर कढ देणा है। भाव कि असीं अपने आप दे नाल 2023 दे साल नूं सब तो सोहणा सब तो बेहतर बनाउण दा वादा कीता सी। उह वादे किहड़े सी, इक वार आपां उन्हां नूं फिर तो याद कर लैंदे आं। पहला वादा इह सी कि मैं सूरज चढ़न तों पहलां उठांगा, भाव कि अमृत वेले उठांगा, अते अमृत वेले उठ के सब तो पहलां मालक दा शुकराना करना, फिर इशनान करके गुरबाणी दा पाठ करना। पहला वादा असीं अपने आप दे नाल इह कीता सी। दूसरा वादा कि मैं किसी भी कामकार नूं अद्धा अधूरा नहीं छड्डांगा, जो भी काम हाथ विच पड़िया उहनूं पूरा करके ही साह लवांगा, अते किसी भी काम नूं मैं कल ते नहीं टालणा, जो काम अज करना है बस करना ही है। अपनी जिंदगी दे विचों आलस दलिद्रता नूं दूर कढ देना है, अपनी जिंदगी दे विचों ईरखा हंकार नूं बाहर कढ देना है, क्योंकि ईरखा ते हंकार ही बंदे नूं लै बैंदे ने। ईरखा वस पिया इनसान अपने आप दे लई कुछ भी नहीं कर पाउंदा, क्योंकि उहदा पूरा ध्यान दूसरियां दी जिंदगी दे विच हुंदा है, अते जिस बंदे दे मन दे विच अपनियां प्राप्तियां दा हंकार आ जांदा है वह फिर उत्थे ही ठहर जाता है, वह कदे भी अगे नहीं वध सकता, उन्हूं लगता मेरे कोल बहुत कुछ आ, मैं सब तो उपर हाँ, इसे करके ही वह हौली हौली नाकामयाब हो जाता है। तो आप अपनी जिंदगी दे विचों ईरखा हंकार नूं भी कढ़ना सी। उस तो बाद अपने गुरु नानक पातशाह दी दित्ती हुई सिक्ख्या कि रज के मेहनत करनी, हक सच दी किरत कमाई करनी, रज के मेहनत करनी। गुरु नानक पातशाह जी दे वचन कि दब के वा रज के खा नूं अपनी जिंदगी दे विच अपनाउणा, इह कुछ क वादे सी जो आपां अपने आप दे नाल कीते सी, अते इन्हां वादिआं नूं निभा के ही आपां अपने इस नवें वरे नूं नवें साल नूं बेहतर बनाउणा सी।
पर की ए वादे असी निभाने शुरू किए, क्योंकि वादे करने दे नाल साडी जिंदगी दे विच बदलाव नहीं आउणा। बहुत वड्डियां गल्लां सुन लईआं कर लईआं, गल्लां सुनण दे नाल करन दे नाल जिंदगी दे विच बदलाव नहीं आउणा। साडी जिंदगी दे विच बदलाव उदों आवेगा जदों असीं चंगीआं गल्लां जो सुनीआं सी पढ़ीआं सी जदों उहनां नूं अपनी जिंदगी दे विच लागू करांगे। क्योंकि ज्ञान असीं भावें जिन्ना मर्जी हासिल करिए, उह ज्ञान साडी जिंदगी नूं बदलदा उदों आ जदों असीं अपनी जिंदगी दे विच लागू करदे आ। तां बस इही काम आपां 31 जनवरी दी रात नूं करना है। अपने आप नूं इह सवाल करने ने, अपने आप नूं पुछना है कि की मैं इह वादे निभाए। 31 जनवरी दी रात अपने आप नूं कहना कि मना कि 2023 दा एक महीना बीत चुकिया है, तां कि एक महीने दे विच मैं कोई नवीं शुरुआत कर सकिया। कि मैं जेड़े वादे अपने आप दे नाल कीते सी कि ओह वादे मैं निभाउणे शुरू कर दित्ते ने, भाव कि मैं अमृत वेले उठना शुरू कर दिता है, कि मैं अपने कम्मां नूं पूरे समय ते कर पाउणा हां। इह सारी छानबीन आपां अपने आप दी करनी आ, क्योंकि दिन महीने साल बीतदिआं पता नहीं लगदा। आपां समें दी कदर नहीं करदे, समें दी परवाह नहीं करदे, पर समें ने अपनी चाल चलदे जाणा है, उहने अपने करके रुकना नहीं आ। सानू ही समय दे नाल नाल चलना पवेगा, ता ही असी कामयाब होवांगे। ता सब तो पहला सानू समय दी कदर करनी पैणी आ। 31 जनवरी दी रात नू अपने आप नू इह सवाल करने आ कि मना जेकर तू अपनी जिंदगी विच कामयाबी तरक्की तंदरुस्ती हासिल करनी आ, ता दस इह चीजां हासिल करन दे लई की शुरुआत कीती आ। की तू अपनी कामयाबी तरक्की दे लई कोई कदम चुकिया है? की तू तंदरुस्ती दे लई कोई कदम चुकिया है? ता जेकर हां दी आवाज आई, फिर तां असीं सही रस्ते ते चल रहे हां, फिर तां साडे मन दीआं सारीआं इच्छावां सुपने पूरे हो सकदे ने। पर जेकर उह चाह उत्साह साडा ठंडा पै गिआ है, तां फिर साडे सुपने साडीआं इच्छावां वी खतरे दे विच ने। सो कहिण दा भाव इह आ कि जेकर आपां अपनी जिंदगी दे विच कामयाब होना चाहुंदे आ, तरक्की हासिल करना चाहुंदे आ, तंदरुस्ती हासिल करना चाहुंदे आ, तां फिर सानूं कुछ करना पवेगा। सिर्फ पढ़ लैणा, सुन लैणा इह काफ़ी नहीं आ। पढ़े सुने ज्ञान नूं अपनी जिंदगी दे विच शामिल करना पैणा है। जेकर जिंदगी दे विच पैसा कमाउणा चाहुंदे आ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਟਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਲਾਪਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ, ਜੇਕਰ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤਰੱਕੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਸ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਖਾ ਕੇ, ਸੌ ਕੇ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ,
अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया। अपनी जिंदगी नूं बेहतर बनाउण दे लई, अपनी जिंदगी विच कामयाबी तरक्की हासिल करन दे लई नवीं शुरुआत करिए।